हेलो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट चैप्टर 11 बायो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनका एक्सक्रीशन कैसे होगा, हाउ वी रिमूव टू देम फ्रॉम द बॉडी। फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, यहां एक ब्रीफ रिव्यू दिया है मैंने। फर्स्ट टाइम एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी जब बॉडी के अंदर ब्रेकिंग होती है तो वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, एमिनस, उनके रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। उनके रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ अनवांटेड एंड टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। अनवांटेड होंगे, बॉडी को भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो टॉक्सिक भी होते हैं, उनका रिमूवल जरूरी है। और जब वो एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, उनको बाहर निकाला जाता है थ्रू एनी एजेंसी, थ्रू एनी सिस्टम, तो बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस होता है। बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन, जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ दीज अनवांटेड सब्स। इनका जो अफेक्ट होता है उससे अपने को बचा के रखते हैं। जैसे जॉन्डिस हो जाता है, अब मान लिए बॉडी के अंदर बायोलुबिन बायोरेडिन पिगमेंट्स की अमाउंट बढ़ जाए तो हमें जॉन्डिस हो जाता है। तो ये जो जॉन्डिस होता है हमारे हार्मफुल होता है, लेकिन बायोलुबिन एंड बायोरेडिन का एक्सक्रीशन जरूरी है। डेफिकेशन का मतलब है जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड है, रेजिड्यू ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, यानी स्टूल की फॉर्म जब बाहर निकालते हैं उसको डेफिकेशन कहते हैं। इसके बाद ओस्मोरेगुलेशन, मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। देखिए, हम पानी भी पीते हैं और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी लेते हैं, तो ये वाटर और मिनरल्स, इन दोनों का जो लेवल है इट शुड बी मेंटेन इन द बॉडी, ना तो ज्यादा ना कम। तो इसको कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन, जिससे हमारी बॉडी में वाटर भी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। इसके बाद होम्योस्टेसिस आता है, यानी जब बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन होता है, एक्सेस वाटर बाहर चला जाता है, एक्सेस में सॉल्ट बाहर चला जाता है, तो इससे बॉडी के अंदर जो है मेंटेन द फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी के अंदर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मेंटेन होता है, क्योंकि यहां पर देयर इज द फ्लक्चुएशन इन द वाटर एंड द सोल्यूट कंसंट्रेशन। इन दोनों की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम ज्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। अब आएंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। देखिए, मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे, दे आर प्रोड्यूस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। तो यहां पर ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बाद बन रहे हैं बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ये प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड, अल्फा, इन सब से बनते हैं आफ्टर द ब्रेकिंग होते हैं। है क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अमीनो एसिड, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, ये सब हमारे जो है, दीज ऑल आर द नाइट्रोजिनस बेस्ड विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड एल्कलॉइड्स, इन सबसे प्रोड्यूस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखिए, बॉडी में सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, क्लोराइड है, पिगमेंट्स है, ड्रग्स है, विटामिन्स है, वैक्स है।
अगर ये हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में है तो इनका रिमूवल भी जरूरी है, इन्हें कहते हैं एक्सेस कैफे। बाइल पिगमेंट्स है बाइलरुबिन, बाइलमेरिडिन एंड यूरोपिन। ये तीनों पिगमेंट, ऑल द थ्री पिगमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ द आरबीसी एंड इन आरबीसी फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो ये बाइलरुबिन और बाइलमेरिडिन बनते हैं, बाइलरुबिन एंड बाइलमेरिडिन। ये दोनों हमारे स्टूल से पास होते हैं और यूरोक्रोम पिगमेंट यूरिन के साथ पास होता है, इट गिव द येलो कलर टू द यूरिन। तो ऑल द थ्री आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बाइल पिगमेंट। इसके बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसका भी बाहर निकलना जरूरी है। और एक्सेस ऑफ वाटर, अगर हमने ज्यादा पानी पिया है तो बॉडी डज नॉट रिटेन टू दैट, बट बॉडी अलाउ कि दैट दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर शुड बी एलिमिनेट थ्रू एनी मींस। अ फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन, देखिए जो वेस्ट है ये डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सक्रीट किया है और उसी के बेस पर वी हैव क्लासिफाइड द एनिमल्स इन थ्री कैटेगरीज। हमने एनिमल्स को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, वी हैव क्लासिफाइड द एनिमल्स इन थ्री कैटेगरी, और इन थ्री कैटेगरी में जो हमने डिवाइड किया है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले अमीनोटेलिजम आता है, यानी कि ये एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करती है। दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट द अमोनिया इज कॉल्ड द अमोनियोटेलिक एनिमल। जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम अमोनियोटेलिक एनिमल कहते हैं और इस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। ये बोनी फिश में होता है, एक्वेटिक एम्फीबियंस में होता है और एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं। देखिए अमोनिया जो है इट इज हाईली पॉइजनस सब्सटेंस, फॉर इट्स एक्सक्रीशन देयर इज द नीड ऑफ मोर वाटर, दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्रीटेड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स। तो अमोनिया पानी में इजीली डिसोल्व हो जाता है और एक्सक्रीटिंग बाय द डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस और गिल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। यानी कि जो अमोनिया एक्सक्रीट होती है इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, इट इज हाईली पॉइजनस। यूरियोटेलिज्म, दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट द यूरिया एज ए बेस प्रोडक्ट, जो यूरिया को वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालते हैं उनको हम यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं और उस प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म कहते हैं। यानी जो प्रोसेस है उसको यूरियोटेलिज्म कहेंगे और जो एक्सक्रीशन को यूरियोटेलिक कहेंगे। देखिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे डू नॉट लिव इन वाटर, ये लैंड पर रहते हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स या टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। इसमें मैमल्स आता है, मैराइन फिशेज आती है और टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस। अब ये जो यूरिया बनता है ये हमारी बॉडी में बनता है, हमारे लीवर में बनता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया दोनों कंबाइंड होकर के दे मेक द यूरिया। तो वी एक्सक्रीट द यूरिया इन द लिक्विड फॉर्म एंड दैट इज इन द यूरिन फॉर्म। इट इज फॉर्म इन द लीवर इन द सॉलिड फॉर्म बट इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब आता है यूरिकोटेलिज्म। देख कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड एक सेमी सॉलिड है जिसमें वाटर की अमाउंट कम है, इसके एक्सक्रीशन के लिए पानी कम पानी की जरूरत होती है। तो जो एनिमल दो एनिमल्स एक्सक्रीट द यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक और उस प्रोसेस को हम यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ये लेस टॉक्सिक है, सेमी सोलिड है और इसके तरह देखिए दो एनिमल्स एक्सक्रीट द यूरिक एसिड, दिस इज द वे टू कंजर्व द वाटर। जैसे बर्ड्स है फ्लाई करते हैं, क्रो फ्लाई करता है, ईगल है फ्लाई करते हैं, देखो एट हाई एल्टीट्यूड, तो अगर वो बार बार नीचे आएंगे फॉर ड्रिंकिंग द वाटर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। सो दैट्स वाई टू कंजर्व द वाटर, टू प्रिजर्व द वाटर और टू डिक्रीज द एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर they excrete the uric acid, this is the way। तो इसमें reptiles आते हैं,
बर्ड्स आते हैं, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स आते हैं, दे एक्सक्रीट द यूरिक एसिड। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अगर आप देखें इनवर्टिब्रेट में जो ऑर्गन्स है ये सिंपल ट्यूबलर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ट्यूबलर होते हैं लेकिन दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं जिससे किडनी यहाँ पे बन जाती है। अब आइए यूनिसेल एनिमल है, जैसे अमीबा है, पैरामिशियम है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालती है, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन यूनिसेलुलर एनिमल। स्पॉन्जेज में अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है इनटू द वाटर, सिलेंट्रेट में जिसमें हाइड्रा होता है अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। प्लेटी एलमंथी जिन्हें आप फ्लैट वर्म्स कह रहे हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोटोनेफ्रिडिया होती है, जैसे प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है और टेपवर्म है, इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं जो कि इन प्रोटोनेफ्रिडिया को हम फ्लेम सेल भी कहते हैं, इनको हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एनीलिड्स अर्थवर्म है, नैरिस है और लीच है, इनमें नेफ्रिडिया होते हैं और ये नेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड दी नेफ्रिडिया व्हेन दे डू द एक्सक्रीशन दे मेंटेन द आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। और इसके बाद इंसेक्ट्स हैं जिनमें माल पिजन टिब्यूल्स होते हैं और ये माल पिजन टिब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ये मिडगट है और ये हाइंडगट, इन दोनों के जंक्शन पर ये प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लाइंड सैटेलाइट स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इनसेट मार्टिनेटिव एंड लास्ट क्रस्टेशियंस प्रॉन, इनमें एंटीनल ग्लैंड्स होती है, ग्रीन ग्लैंड्स होती है विच आर कंसीडर एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।